वालों को शादी के लिए कैसे मनाएं, क्योंकि कैसा होता है कि अपने घर वाले जब भी हमारे लिए रिश्ता ढूंढते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारी शादी एक अच्छी जगह हो। लड़का चाहता है कि एक अच्छी लड़की पढ़ी लिखी हमारे घर में आए, और लड़की वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी कहीं बहुत अच्छे घर में हो, जिसमें लड़का बहुत अच्छा कमाता हो, हमारी बच्ची सुखी रहे, है ना। और लव मैरिज के लिए घर वालों को मनाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, जब भी शादी करनी होती है, कुंडली मिला कर शादी करिए, और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भी कोशिश कीजिए घर वाले अच्छे से शादी के लिए माने, चीज़ें अच्छी हों, कुंडलियाँ मैच हो, क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें बहुत लंबी नहीं चलती हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही, इसलिए कुंडली मिलाकर ही शादी कीजिए। दूसरी चीज़, इस टॉपिक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे मनाएं, या अपने पार्टनर को शादी के लिए कैसे मनाएं। इसके लिए पूरा वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो कि मैंने अपलोड करी है। आप बहुत इजी, बहुत आसान उपाय हैं, उसको करने से अपने घर वालों को शादी के लिए मना सकते हैं। जय श्री महाकाल।